हेलो एवरीवन, तो आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ का, कि आपको कौन सी टेस्ट लेनी चाहिए, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए और टेस्ट सीरीज़ का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी तैयारी के अंदर। देखिए, हमारा एग्ज़ाम है नेगेटिव मार्किंग वाला, और नेगेटिव मार्किंग में हमें एग्ज़ाम से पहले बचना होता है, उसको अपने अंदर ये बिठाना होता है, अपने हैंड को इस तरीके से सेट करना होता है, माइंड को ऐसे सेट करना होता है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। हमें खुद को ये समझाना होता है हमें जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हमें सही से आते होंगे, इसीलिए टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है। रही बात कि हमारे सब्जेक्ट बहुत हैं, सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हमें कौन से टेस्ट लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। जो जनरल सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, इनके टेस्ट आपको नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके टेस्ट आपको पैसे नहीं खर्चने, इनके टेस्ट आपको गूगल वगैरह पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, और इतना ज़रूरी भी नहीं है इन टेस्ट को लगाना। खरीदने कौन से हैं? राजस्थान GK यानी जो इतिहास, कला, संस्कृति वाला पोर्शन है, सामान्य ज्ञान भी उसी में शामिल होगा, और शैक्षिक परिदृश्य वाला पोर्शन, इन दोनों के यानी जो हमारे 100 मार्क्स का पोर्शन है और 80 मार्क्स का जो पोर्शन दे रखा है, उनके टेस्ट हमें खरीदने हैं। और उसके अलावा थोड़े बहुत जो 10-15 टेस्ट हैं, हमें ऑल ओवर टेस्ट भी लगानी है, जो 300 नंबर का पूरा टेस्ट होगा ना, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट होंगे, जहाँ पे हमें पता चलेगा हम पूरे टेस्ट को 300 नंबर को निर्धारित समय के अंदर, जो टाइम लिमिट है उसके अंदर किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, कितने हम नेगेटिव कर रहे हैं और कितने हमारे सही हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस टेस्ट के अंदर हमें पता चलेगी। अब रही बात कि हमें टेस्ट कहाँ से खरीदनी चाहिए, तो जितने भी टेस्ट सीरीज़ जो भी एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, या जो भी कोचिंग है जहाँ से आपने ऑनलाइन टेस्ट कोर्स लिया हुआ है या ऑफलाइन लिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक स्टूडेंट जो होता है उसे बजट फ्रेंडली होना चाहिए। हम कोई भी कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ लेते हैं या किसी भी एप्लीकेशन से लेते हैं, तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट जो हम टेस्ट सीरीज़ हम खरीदते हैं, उनके अलग पैसे लगते हैं, और एक समय सीमा के बाद वो एग्ज़ाम तक ही होता है वैसे तो एग्ज़ाम तक ही वो रहता है, उसके बाद में वो दोबारा से हमें खरीदने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी टेक्स्ट बुक के अबाउट। टेक्स्ट बुक में क्या है कि एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है हमें, एक साल के अंदर जो जितने भी एग्ज़ाम होने वाले इंडिया के अंदर, इंडिया का चाहे कोई सा भी स्टेट हो, उसके सारे टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर मिलेंगी और पैसे कम लगेंगे। एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आप कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, किसी भी स्टेट का लगा सकते हैं पूरे एक साल तक। तो टेस्ट बुक इसीलिए बेस्ट है, और टेस्ट बुक में आपको जो थर्ड ग्रेड मेंस है उसके भी सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं वो वाले वहाँ अवेलेबल होंगे, और नए टेस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी टेस्ट के अबाउट। तो आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको टेस्ट क्यों खरीदने हैं, किस तरीके से आपको उनको जो है सॉल्व करना है। और पहली बात कि टेस्ट में जब हमारे मार्क्स कम आते हैं ना, तो हम घबरा जाते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, ठीक है, हमारे पास समय कम है, या अभी तक मेरी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि टेस्ट हम जब लगाते हैं जब हम एक या दो बार रिविज़न कर रहे होते हैं, ठीक है, उस समय भी अगर हमारे नंबर कम आते हैं हमें ये लगता है मेरी तैयारी नहीं है। तो देखिए, कोई भी कोचिंग सेंटर जब टेस्ट बनाता है या कोई भी एप्लीकेशन वाले टेस्ट बनाते हैं, उनकी फर्स्ट जो अप्रोच होती है वो यही होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े, इसीलिए वो बहुत ही टफ़ क्वेश्चन जो है अपनी सीरीज़ के अंदर डालते हैं। और स्टूडेंट का क्या होता है कि जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन देख लेता है ना जो उसने कभी पढ़े ही नहीं, तो उसे ये लगता है कि ये तो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे और ये तो उसे आने ही चाहिए, इसीलिए वो टेस्ट सीरीज़ खरीद लेता है। और कोचिंग वाले तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उनके टेस्ट सीरीज़ को खरीदे, है ना, क्योंकि बनाए इसीलिए जाते हैं, उनका तो बिजनेस है।
लेकिन घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल और टेस्ट सीरीज़ का लेवल बिल्कुल अलग होता है, उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम एक प्रॉपर अप्रोच से बनाए जाते हैं। उसके अंदर टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, इजी भी होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हर तरह के बच्चे बैठते हैं, जिनका IQ बहुत हाई है वो भी बैठते हैं, जो नॉर्मल है ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स है वो भी बैठते हैं, और जो लो है वो भी बैठते हैं। तो उनके अप्रोच से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्ज़ाम में। 60% क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, और हर बच्चा सही से अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये माइंड में रखना है कि टेस्ट सीरीज सिर्फ हमें टाइम लिमिट, नेगेटिव मार्किंग, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लगानी है। ये नहीं सोचना है कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है हम उस हिसाब से पढ़ने लग जाएं। नहीं, कई बार क्या है, हम किसी भी कोचिंग सेंटर का टेस्ट लेते हैं ना, उसमें जिस अप्रोच से क्वेश्चन होते हैं ना, जिस टॉपिक से ज़्यादा उठाए जाते हैं, हम उसी हिसाब से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने लगते हैं। मतलब अगर एक टॉपिक जो है वो बार बार पूछा जा रहा है ना, तो हम उस टॉपिक पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि एग्ज़ाम में नहीं होता। एग्ज़ाम में सारे टॉपिक्स को उठाया जाता है, किसी से कम किसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पर आते हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक से है, चाहे वो कैसे भी एक दूसरे से मिला के एक दूसरे से रिलेट करके पूछे जाएं, पर पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक से। टेस्ट सीरीज़ को अपनी तैयारी से नहीं जोड़ना, बस हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है, टाइम लिमिट को कंट्रोल करना है, और ये देखना है कि हमारी अप्रोच क्या है टेस्ट को सॉल्व करने की, और वही अप्रोच जो है हमें एग्ज़ाम में लगानी है। हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, हमें मोह नहीं करना क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस की नंबरिंग नहीं देखनी, हमें ये देखना है कि हमें आते कितने हैं, और जो आते हैं वो करेक्ट होने चाहिए। चाहे हम 90 क्वेश्चन ही क्यों ना करें, लेकिन 90 के 90 से अच्छा है जितने भी हम क्वेश्चंस करें वो हमें सही से आ रहे हों, ठीक है? तो इस तरीके से पहली बात, आपने एग्ज़ाम को टेस्ट से नहीं जोड़ना। दूसरा, टेस्ट की अप्रोच से तैयारी नहीं करनी। आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर रहे हो, उस हिसाब से चलने दो। जो टेस्ट वाला टाइम है ना, उस समय ये दिमाग में बिठा के बैठो टेस्ट वाले समय में कि आपने इसके अंदर अपनी टाइम लिमिट को सही करना है और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। बस उसमें चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट से ज़्यादा हैं, एक सब्जेक्ट से कम है, चाहे उस टेस्ट की कुछ भी अप्रोच हो, आपको उसे अपनी तैयारी से नहीं जोड़ना। आपकी तैयारी जैसे चल रही है उसको वैसे ही कंटिन्यू रखें। टेस्ट बस इसलिए लगाएं कि हमारा एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग का है और हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है, इसीलिए उसकी प्रैक्टिस हमें एग्ज़ाम से पहले करनी पड़ेगी। तो ये थी टेस्ट सीरीज़ के अबाउट एक छोटी सी जानकारी जो कि आप तक मैंने पहुंचाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें, और चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प करें। और मेरी अप्रोच क्या थी वो मैं आप तक जरूर शेयर करती रहूँगी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।